प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्लास का टॉपिक नंबर्स 1 to 10, कि हमें इनकी पहचान करनी है कि नंबर्स कितने हों, 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, काउंट करके हम इन चीजों को पहचानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज, जैसे हम बात करते हैं 1 की। 1 क्या होता है, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया एक ब्रिक का। ब्रिक मीन्स ईंट, ईंट तो हम सभी ने देखी होती है। तो ईंट ये कितना है, ये 1 है, 1 ONE 1, इसको हम 1 लिखेंगे, इसको 1, हाँ ये 1। ऐसे ही अब हम चलते हैं 2 पे। तो देखने के लिए बच्चे सारे गेम खेलते हैं, जैसे हम देखते हैं बैट बॉल खेलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये बैट ले रखा है और ये देखिए कितने हैं, 1 and 2। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे TWO और ये 2, है ना। ऐसे ऐसे हम नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्या आता है 3। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या बने हुए हैं, ये हैं ट्री। क्या बने हुए, ये ट्री। तो ये कितने हैं, 1, 2 and 3, कितने ट्री हो गए, ये 3। तो हम 3 को लिखेंगे TH RE and E, 3। क्या है ये, 3, है ना, ये 3 हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 की तरफ। ये क्या है, हमने क्या बनाया है यहाँ पे, कार। कार कितनी है, 4। काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, कितनी है ये, 4, FOUR, कितना है ये, 4, FOUR, क्या है ये, 4। वो कैसे लिखा जाता है, 4। यहां पे हमने लिया है इरेजर, 4 के बाद क्या आता है, 5 पे क्या आता है, इरेजर। 5 कैसे लिखेंगे, FIVE, 5। उसके बाद आता है 6। हम लिखने के लिए क्या यूज करते हैं, पेंसिल्स। तो हमने एग्जांपल लिया है पेंसिल का, ये काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 क्या है, पेंसिल्स। कितनी पेंसिल्स है हमारे पास, 6। तो 6 को हम लिखेंगे SIX, क्या हो गया ये, 6। क्या है ये, 6, है ना। ऐसे आगे बढ़ते हैं 7 की तरफ, बाउल्स। 7 पे हमने क्या ले रखा है, बाउल्स। घर पे आपने देखा ही होगा एग्जांपल, बाउल्स, बाउल्स मींस कटोरी, कटोरी होती है ना सबके घर में, तो वो काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये क्या है, 7 बाउल्स। इसको लिखते हैं SEVEN, क्या है ये, 7, क्या है, 7। उसके बाद आता है 8, क्या है, फिश। क्या है, फिश, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 पे क्या है, फिश, E I G H T, क्या है ये, 8, क्या है, फिश। बाद में आता है 9 पे हमने क्या लिया हुआ है, बॉल मींस गेंद, जिसे हम बैट बॉल खेलते हैं, गेंद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, क्या है ये, 9, NINE, क्या हो गया, 9।
उसके बाद सभी बच्चे टॉफीज तो खाते ही हैं, तो हमने टेंथ पे जो एग्जाम्पल लिया हुआ है टॉफीज, टॉफीज को काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. क्या हो गया 10, कितनी टॉफीज हमारे पास 10, कितनी है 1 and 0, कितनी है 10, 10 टॉफीज है। हमने अभी सीखा कि काउंटिंग्स 1 से 10 कैसे हम पिक्चर्स को देखेंगे और उनको काउंट करेंगे और उनको नंबर्स में कैसे लिखते हैं, उनको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। हमने अभी सीख लिया 1, 2, 10 काउंटिंग्स, उनको नंबर्स में एंड वर्ड्स में कैसे लिखा जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग हमने अभी लर्न कर लिए 1, 2, 10। अब हम इन्हीं को फॉरवर्ड कैसे लिखेंगे और पीछे रहते हुए बैकवर्ड कैसे लिखेंगे, तो हम अभी करेंगे फॉरवर्ड काउंटिंग एंड बैकवर्ड काउंटिंग। क्या करेंगे, फॉरवर्ड काउंटिंग एंड बैकवर्ड काउंटिंग देखते हैं। आइए देखते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कैसे होगा, जैसे हम करते हैं 1, 1 के बाद क्या आता है 2, के बाद 3, के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ये क्या हो गया फॉरवर्ड काउंटिंग, मीन्स लगातार 1 से शुरू करके उससे आगे बढ़ते हुए हम कहां पर जाएंगे 10 पे। ऐसे ही हम करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं लेता हूं 1, ये खाली छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, 5 फिर से ब्लैंक, 6। अब हमें ये जो फिलअप्स हैं इनको भरना है, क्या आएगा यहां पे, क्या आएगा ये, हम इनको शुरू करते हैं कैसे 1 के बाद फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ चलते हैं, तो क्या आता है, क्या आता है 2, क्या आता है 2, तो हम ये मिसिंग जो नंबर है उसको 2 फिल कर दिया। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, 2 के बाद क्या हमने लिखा 3, 3 के बाद क्या आएगा, खाली जगह है, उसके बाद क्या आएगा, आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा 4, क्या आएगा 4, यस तो हमने 4 लिख दिया। 4 से आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है 5, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो 5 से नेक्स्ट वर्ड कौन सा होता है, नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो कौन सा होगा 6, क्या होगा 6। ये तो थी हमारी फॉरवर्ड काउंटिंग। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, फिर खाली छोड़ दिया ये छोड़ दिया और ये यहाँ पे लिख दिया 8। क्या लिखेंगे, इनके बीच में जो नंबर्स हैं 4 एंड 8 के बीच में मिसिंग नंबर्स हैं, उनको लिखना है। कैसे लिखेंगे, काउंटिंग शुरू करते हैं 4 से शुरू करते हैं, 4 के बाद क्या आता है, क्या आता है 5, हमने लिखा 5, द नेक्स्ट क्या आएगा, उसके बाद नेक्स्ट में क्या आएगा 6, हमने लिख दिया 6, नेक्स्ट क्या आएगा 7, और उसके बाद हमें पता ही है 7 के बाद क्या आता है 8, हाँ तो हमारी ये काउंटिंग कंप्लीट हो गई। हाँ जी, हम ऐसे करेंगे। ये तो थी फॉरवर्ड काउंटिंग की बात, अभी हम चलते हैं बैकवर्ड काउंटिंग पे, इस पे बैकवर्ड पे। हाँ जी, अभी हम सीखेंगे बैकवर्ड का कंसेप्ट। ऐसे ही जैसे हम फॉरवर्ड चले वैसे हम बैकवर्ड चलेंगे। शुरू करते हैं, ये नंबर 1 से शुरू किया था, 10 पे गए थे आगे काउंट करते करते, अभी चलते हैं
बैकवर्ड कंसेप्ट पे, क्या आएगा? टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फाइव फोर थ्री टू एंड वन. ये क्या है? बैकवर्ड काउंटिंग. ऐसे ही हम एग्जांपल लेते हैं. यहां मैंने लिखा एट स्पेस सिक्स फोर स्पेस टू. हाँ जी, अभी हम इनको पीछे की तरफ चलते हुए पढ़ेंगे और इसको फिल करेंगे. क्या लिखा? एट. हम कहां थे? एट पे थे. एट से पहले एक वर्ड का क्या आता है? क्या आता है? रिमाइंड करो, रिमाइंड करो. क्या आएगा? एट से पहले आएगा सेवन. क्या आएगा? सेवन. हाँ जी, एट से पहले आएगा सेवन. हाँ, उससे भी चलते हैं. क्या आता है? सेवन से पहले क्या था? क्या था? फॉरवर्ड काउंटिंग में जाके देखो क्या था. सिक्स था. क्या था? सिक्स. हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिक्स. और पीछे चलेंगे. पीछे चलते हुए क्या आता है? फाइव. क्या आता है? फाइव. हाँ, फाइव से पहले फोर. फोर से पहले ऐसे ही चलेंगे तो क्या आएगा? फोर से पहले हाँ क्या आएगा? थ्री. यस, यू आर राइट. थ्री क्या आएगा? थ्री आएगा. यस, एक एग्जांपल और देते हैं. जैसे मैंने लिया यहाँ पे सिक्स, ये खाली छोड़ दिया. फिर स्पेस है और यहाँ पे क्या ले लिया? टू. हाँ जी, क्या ले लिया? टू. तो इन तीनों को भरेंगे तो क्या आएगा? सिक्स से पहले क्या चलेंगे? सिक्स से पहले क्या था? अभी हमने किया था, क्या किया था? सिक्स से पहले फाइव, से पहले फोर, से पहले थ्री एंड ये टू. हाँ, ये हमारा अभी बैकवर्ड एंड जो फॉरवर्ड था वो कंप्लीट हो गया. हमने सीखा था वन टू टेन नंबर्स, उनको न्यूमेरल्स में लिखना और उनको वर्ड्स में लिखना. उसके बाद हमने सीखा कि फॉरवर्ड काउंटिंग कैसे लिखी जाती है एंड बैकवर्ड काउंटिंग कैसे लिखी जाती है ना. तो ऐसे ही हमने ये कर लिया. अभी एक्सरसाइज की फॉरवर्ड की चलते हुए बैकवर्ड की एक्सरसाइज की. अब एक छोटी सी एक कंसेप्ट और मैं आपको सिखाता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है. इन सभी के साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ आई थी और वो मैं आपको भी सिखाता हूँ. क्या है वो? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जीरो. क्या? जीरो. हाँ, जीरो का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं. मींस नथिंग. जीरो मींस नथिंग, कुछ भी नहीं. एक एग्जांपल लेके मैं आपको सिखाता हूं, उससे आप सीख पाएंगे. एग्जांपल है, जैसे हमारे पास एक क्या है? बाउल. बड़ा सारा बाउल और उसके अंदर तीन छोटी छोटी क्या है? क्या है उनके अंदर? क्या है? बोल्स. क्या है? क्या है? बोल्स. हाँ, हमारे पास क्या है? एक बाउल है, उसके अंदर तीन छोटी छोटी बोल्स हैं. वन टू एंड थ्री. वन टू एंड थ्री. हाँ, अब हमने क्या किया? उस बाउल के अंदर से एक बोल निकाल ली और बाहर गिरा दी. अब हमारे पास क्या बचता है? वो बाउल है, उसके अंदर एक ये गेंद है, एक ये गेंद है. कितनी गेंदें बची हैं? वन एंड कितनी बची हैं? टू. एक गेंद हमने निकाल के बाहर कर दी है. उसके बाद हम एक बार और यहाँ से ये जो गेंद है इसको उठा के बाहर करते हैं तो हमारे पास एक बाउल बचता है, उसके अंदर क्या है? सिर्फ एक गेंद है. क्या है? वन. कितनी गेंद है? वन. कितनी गेंद है? कितनी गेंदें हैं हमारे पास अभी यहाँ पे? वन. कितनी है? वन. और अगर ये जो बची हुई गेंद इसके अंदर है अगर हम उसको भी अगर बाहर कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? जैसे हमारे पास ये बाउल के अंदर गेंद जिसको बाहर गिरा दिया, हमारे पास क्या बचा? बाउल के अंदर गेंद तो बची ही नहीं, मींस कुछ भी नहीं बचा. मींस हमारा बाउल एम्प्टी है, मींस बाउल खाली है. तो जो खाली चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जीरो. क्या बोलेंगे? जीरो. और जीरो को न्यूमेरल्स में कैसे लिखा जाता है? जीरो.
क्या है ये, क्या है ये, क्या है, जीरो। तो जीरो का मतलब कुछ भी नहीं। आपने इस एग्जांपल से सीखा कि पहले तीन गेंदे थी, उसके बाद एक बाहर फेंकी तो दो बच गई, फिर एक निकाल दी तो एक बच गई, जब ये बची हुई एक भी निकाल दी तो क्या बचा, कुछ भी नहीं, मीन्स खाली हो गया बाउल। खाली का मतलब होता है जीरो। तो आज हमने 1 to 10 नंबर्स सीखे, जीरो क्या होती है वो सीखा, फॉरवर्ड काउंटिंग एंड बैकवर्ड काउंटिंग सीखी। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ और मिलते हैं इसी कंसेप्ट के साथ आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।